बहुत ही देर के बाद एक बड़े जैन तीर्थ में जाने का मौका मिला। अभी आप दर्शन कर रहे हैं गोमतेश्वर बाहुबली जी के। ये जैन तीर्थों को मैं सबसे पहले तीर्थंकर हूँ। 18 मीटर लंबी इनकी मूर्ति है जो कि 10 किलोमीटर दूर से ही दिखनी चालू हो जाती है। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे टॉप 17 जैन टेम्पल तो उसमें ये नाम मिलेगा आपको। यहाँ पर जाने के लिए 700 स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है जो आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक का समय लग सकता है। हर 12 साल के बाद में यहाँ पे तीर्थ यात्री आते हैं स्पेशली और करते हैं महाअभिषेक। ये महाअभिषेक होता है दूध के साथ, केसर के साथ। उसके बाद यहाँ छांटा जाता है चंदन और हल्दी। ये तो पूरा साल ही यहाँ पे भीड़ लगी रहती है गर्मी के सीज़न के सिवाय, क्योंकि चढ़ के जाना पड़ता है तो तकलीफ थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको जाना पड़ेगा, स्टेशन का नाम है श्रवण बेला गोला। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में ट्रेन मिल जाती है। ट्रेन आपको मिलेगी हसन से, क्योंकि ये मंदिर हसन डिस्ट्रिक्ट में आता है कर्नाटक के, और बेंगलोर से भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। बेंगलोर से 144 किलोमीटर है। ये देखिए पूरा पहाड़ खाली है, पूरे पहाड़ में कोई नहीं दिखेगा आपको, इतनी गर्मी थी। लेकिन नज़ारा आप देखेंगे तो नज़ारा देख के आपकी सारी गर्मी सारी 40 डिग्री की गर्मी है। आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ खाली है, पीछे कोई भी नहीं दिख रहा है, खाली एक लेडीज आती हुई आपको दिखेंगी। वृद्ध महिला है, मेरे से ज़्यादा हिम्मत उन्होंने बताई है। पूरा पहाड़ आप देख सकते हैं खाली है। चप्पल पहन के आया था वो भी ऊपर अलाउ नहीं है। नीचे सॉक्स मिलती हैं कॉटन की, मुझे वो पहन के आप जा सकते हो, वो मिल जाएंगे। लेकिन मेरी एक एडवाइस है, ऐसे छोटे छोटे रुमाल 2 फोल्ड करके सॉक्स के अंदर डाल दें जिससे कि आपके पाँव में गर्मी नहीं लगे। वैसे तो अगर पाँव में गर्मी लगती है, कंकड़ चुभते हैं, छाले पड़ते हैं तो आपका एक एक पाप कटता है, लेकिन अप्रैल की 40 डिग्री गर्मी में यात्रा ना करने से ये कर लेना ज़्यादा अच्छा है। जय जय चंद्रगुप्त मौर्य ने सारा आदि हिंदुस्तान जीतने के बाद में जैन धर्म अपना दिया था शांति के लिए, और यहीं पर आके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे और वीडियो मैं सबसे पहले आप तक भिजवा पाऊँ।